कोळथ डाली देह पई बहुत ही उपकारी ताकु बहुत प्रकार प्रोसेस रो बनई कि हमें माने खाई थाउ। आज किंतु चालो तो हमें बनईबा एकदम गाँ स्टाइल रो कोळथ डाली देह को जेमिति टाइप रो उपकारी ता सहित पार्टी को भी सेमिति टाइप रो स्वादिया करिके बनईबा। तेणु वीडियो को आपण माने देखि चालंतु मो बनेला प्रोसेस भी सब जानी परिवे। नमस्कार मुँ आपण मानक मामा हाथ रंधा किचेन को स्वागत करुच्ची। आज भिडियोटे जब भल लगी लाइकटे निहाती करेंगे ता सहित जो मैंने आज मो चैनल को फर्स्ट टाइम आसपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन रे भी क्लिक करदे तो नेक्स्ट रेसीपी रो नोटिफिकेशन भी आपण मानक पाखक फास्ट पहुँची जीव। तेणु चलत आज भिडियोटे स्टार्ट करवा। आम ये कोळथ डाली को धोई नबा भल कि पानी रो पूरा पूरी तीन चार थर पानी को चेंज करी करी धोई नबा। कोळथ डाली को भल कि धोबा पर एबे प्रेशर कुकर दे दबा दे कि पानी देबा। पानी कोळथ डाली टू दुई आंगुली जमती टाइप रे माने एतिक ऊपर को रही कहीं कोळथ डाली को सिझेबा पई टिके अधिका टाइम लागी थाए या पई एबे पांच छटा आमे सिटी नै जिबा। हाँ जदि कोळथ डाली हल्का कि भजा हेतिबो तो सेठी कम माने सिटी देले भी सिझी जाय थाए। तापर से देदबा हलदी गुंड आवश्यक मुताबक लुण। एबे प्रेशर कुकर को बंद करके एबे हमें गैस चूल्हार बसईद पांच छटा सीटी एबा मीडियम फ्लेम रे बसईदे बसवा पर पांच छटा सीटी आसवा पर्यटन व्वेट करवापर आपे आपे गैस रिलीज करके थंडा हवा पर्यटन प्रेशर कुकर को भी छाड़ीद टाइम भितर चलत आम पनीपरिया को सब काट नवा। हाँ आपण आपणकर पसंद मुताबक पनीपरिया देते सारू सिंब बैगण किए केमती कखारू को भी पकाती तो ताकु जोटा आपन को पसंद लगे कि जोटा आपण अच्छी से ही देकी कोळथ डाली को रांधे। कोळथ डाली को साधा भी रांधी हुए किंतु ता सहित पनीपरिया पकईदे ना तार टेस्ट आ बहुत बढ़ी जाए। फास्ट आम सिंब को एमती टाइप रोट छोट आकार काटिकी पानी रो दे नबा ता सहित सारू बैगण को भी काटि नबा। छोटा सीटी मारिबा परे गैस को बंद करा जाइतिला। एबे देखंतु हमर गैस आ प्रेशर कुकर भितर टोटली नाही तो एबे हमें प्रेशर कुकर को खोली की चेक करिबा। डाली देखंतु धरले भी पूरा पूरी मैश हो जाउची। एबे हमें डाली को एमती टाइप रे टिके दबे दबे दबा डाली को भलो की मैश कला परे एबे इथरे हमें मिसई नबा जो पनीपरिया सब तो सिंब को छोट छोट आकार काटिद सहित सारू को भी देद। हाँ ये आम दुईटा एमती टाइप आंबुल मेड़ी दूची जदि आंबुल आपण बहुत खटावाला थी तो टमाटो टोटाली देवे नहीं कितु मो पाखर जो आंबुल रही एतटा खटा ना तो से गोटे टमाटो देदेली आ सहित ये बैगण बास ये सब कुछ देद देखिए प्रेसर कुकर को बंद कर नबा आ गोटे सीटी आसवा पर्यंत एबे आम कभर करके छाड़ीद। तो बैगण आ सिंब सारू सब बहुत भल कि सीझी भी जीव गोटे सीटी अधिका सीटी देदेले ये सब पनीपरिया गुड़ा अधिका घाटी होती गोटे ही सीटी दबा। प्रेसर कुकर एवं गोटे सीटी आसीगला तो गैस को बंद कर नबा। प्रेसर कुकर गैस सब एवं सरीगला एवं चलत आम देख नबा देखु पनीपरिया सब गुटा गुटा होकर रही सहित आम डालीटार भी पा भी ठीक हिसाब रही मुझे आपण मानक देखापी इजी हम गोटे बाउल को ढाड़ी देखा देखो गोटे मानते छोट डिक्ची को ढाबाप देखा पूरा परफेक्ट मात्रार पा डाली सब पूरा बढ़िया कि चलत आम डाली को बघारी नवा को गरम करके दुई चामच सोरस तेल ता सहित अधा चामच ये पंच फुटण देदेली। हाँ ये डाली बघार बेले सब बड़े सोरस तेल रही बघारे तार फ्लेवरटा ही बढ़िया कि पाइबे। जिते भी आम ओडार एथेटिक रेसीपी सब सोरस तेल रही बना जाए था। तो ये से दुईटा सुखा लंका देदेली फुटवाप अपेक्षा करवा ये गोटे कंचा लंका पचिक अच्छी ताकूद देखिए भाजी नवा ता सहित मिसईद रसुण रसुण को ये 10-20 सेकेंड पर्यंत भाजीद भाजीदे से लाल हो लाल हाँपर से देदेबा गोटे चामच अदा छेचा। हाँ ये रसुण आदा को छेचिकी दे तार फ्लेवर गोटे बहुत बढ़िया पाए। तो ये भाजी नब अदा लाल हो भाजी हाँपर से देदेबा दुईटा भुर्सुंगा पत्र डेम्फो आईरे मिसईद आम जो टमाटो को गोटे सीझे रखी थी ताकू भी देदेबा देकी एमती टाइप रे जाकीद से पूरा पूरी मैश हो
ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବା 1/4 ସ୍ପୁନ୍ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଯଦି ଲୁଣ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୁଣକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ଭଲ କେବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ବି ମିଶାଇ ନେବା। ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କି ମ୍ୟାସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ସହିତ ମସଲା ବି କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଲିକୁ ବି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଯେ ଆମେ ମସଲା ସବୁ ଭଲ କି କଷି ନେଲୁ ଏ ଡାଲିର ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇକି ଗୋଳାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗକୁ କଭର୍ କରିନେବା। ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିର ଲୁକ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ତା ସହିତ ତା ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି। ଆଜିର ଏଇ କୋଳଥ ଡାଲିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ତ ଏବେ ଆଉ ଆମେ ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ଆଉ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାର ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ କି ସେଟ୍ ବି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସବୁ ମସଲାର ଯେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ରସୁଣ ଅଦା ସହିତ ଫୁଟିକି ଡାଲିର ଫ୍ଲେଭରକୁ ବି ବଢ଼େଇ ନେବ। 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିବା ପରେ ଏବେ ଆମର ଡାଲିର ଲୁକ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ବହଳିଆ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ କେବଳ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆମେ ଦେବୁ, ଗରମ ମସଲାଟି ମୁଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ତ ଗରମ ମସଲା ବି ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆକୁ ପୁଣି କଭର୍ କରିନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନିଆ ପତ୍ରର ବି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ତା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଉଛି। ଏଇ ହୋଇଗଲା ଆଜିର ଏଇ କୋଳଥ ଡାଲିର ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ବନେଇକି ଭାତ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ସହିତ। ବାଏ।